फ्रॉम जोधपुर अगेन। यहाँ से हमें निकलना है अमृतसर की ओर। सब हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं ना। यही ओके देखो, ये अब देखो पूरा प्लेट भर के बैठे आप। देखो यार, रोड की कंडीशन तो वाकई ही बहुत खराब है। एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे ना ढाबे मिलेंगे, ना पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, ना वॉशरूम मिलेगा। तो हम लोग अपना ना थैला भर के नाश्ता लाए। चोरी ड्राई फ्रूट कचौरी, अभिजीत जी, ड्राई फ्रूट कचौरी। हमारे दूसरे जो कलीग्स है जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और बाकी का कैंसिल ना होए, बस यही दुआ करेंगे हमारे साथ, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। मेरी तो यही आपको सलाह है। फ्रेशन अप होना है तो भटिंडा 272 किलोमीटर पे ये वॉशरूम के लिए एग्जिट है। इस तरह से अभी अमृतसर को 2 घंटे की देर है, बजे हैं 8। स्वर्ण मंदिर के जैसा ही बिल्कुल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर अगेन। एंड अभी बजे हैं सुबह के 6:30। यहाँ से हमें निकलना है अमृतसर की ओर, और पहले करना है ब्रेकफास्ट। तो नीचे जाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। सामान आधा लोड कर दिया है ऑलरेडी, आधा वापस आके फिर करते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें लेट नाइट आज नहीं पहुँचना है, हमें टाइम से पहुँचना है अमृतसर। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। सब हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं ना। स्ट्रॉबेरी यही देखो, ये अब देखो पूरा प्लेट भर के बैठे हम दोनों हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं। देखो अब वो मत बोलना मैं एक प्लेट खा के बैठा हूं। हेल्दी अनहेल्दी थोड़ी है वो। ये इसके मेरे पीस दिखा रही हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी बजे हैं 7:18, बजने की तैयारी है 7:30, और निकलने की भी तैयारी है। तो चेकआउट करते हैं और यहाँ से सीधा चढ़ते हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पे। चलो 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 चलो, चेक हो गया सब। हाय, लेडी आ गए। फोर हुए हैं और कार में बैठ चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, सीधा चढ़ते हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पे। तो आज का सफ़र थोड़ा आसान है, आई होप सो। दुआ करेंगे, चलो भगवान का नाम लेते हैं। जय श्री गणेश, जय माता जी, जय आशापुरा माँ। आज की हमारी जर्नी बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर दे, रात तक पहुँच जाए हम अमृतसर। चलो ध्रुवा अपना होमवर्क कर रही है सुबह सुबह, मामा ने बिठा दिया है होमवर्क करने, और हम चलते हैं यहाँ से। देखो गाइस, घर से निकले थे तब से अब तक 800 किलोमीटर करीबन चल चुके हैं। अभी जोधपुर से अमृतसर का सफर शुरू होता है, तो ट्रिप वन को ऐसे ही रहने देते हैं, ट्रिप बी को कर देते हैं रिसेट। आज का किलोमीटर हो गया 0। अब बताते हैं अमृतसर में पहुंच के कितने तक किलोमीटर गाड़ी चली। चलो शुरू होने से पहले थोड़ा पैच है जो गांव के बीचों से जाता है रोड का, जो कि खराब है या फिर क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन थोड़ा सा पैच ही है। आगे देखता हूँ, ज्यादातर खराब है, आपको अपडेट देता हूँ। जोधपुर से अमृतसर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा और कौन से रोड से। देखो यार, रोड की कंडीशन तो वाकई ही बहुत खराब है। एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले अब पता नहीं मैंने गलत रोड ले लिया है गूगल की तरफ से या फिर यही रोड है। और वेदर की बात करें तो बारिश का मौसम आज अच्छा खिला है और कल धूप थी जब हम जोधपुर घूम रहे थे। अब देखते हैं आगे बारिश मिलती है या फिर क्लियर वेदर मिलता है। तो जोधपुर से निकल के ही 8-9 किलोमीटर तक वैसा थोड़ा खराब रोड का पैच मिला,
अभी ये कुछ अच्छा रोल आ चुका है, और अगर यही रोड की कंडीशन रही तो जल्दी से एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। और यहाँ से एक्सप्रेसवे की दूरी कितनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो करीबन गाइस 35 किलोमीटर के आसपास जोधपुर से एक्सप्रेसवे की दूरी है। तो हम लोग ये दूरी आई थिंक अगर ऐसा रोड है तो आधे घंटे में कवर कर लेंगे। अभी बजे हैं 8:20, तो शायद 9 बजे से पहले तो हम लोग एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। ये जोधपुर, टिंडवाड़ी, गांगरी, बलेसर और सारागढ़ करके रोड है, और वो सारे कस्बे यहाँ से हम गुजर चुके और गुजरने वाले हैं, और उसके बाद आएगा एक्सप्रेसवे। बाबा रामदेव का कुछ है त्योहार, तो वहाँ सब लोग चल के जा रहे हैं। रामदेव मतलब रामदेव पीर, वो अपने हरिद्वार वाले नहीं, ये सारे लोग चल के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में हमें मिले जोधपुर पहुंचने से पहले भी, और अभी भी ये लोग चल के जो जा रहे हैं। रोड की कंडीशन तो बस ऐसी ही है, थोड़ी देर के लिए अच्छा आता है फिर वापस खराब पैच आता है, और कई लोग बड़े सारे झंडे ध्वज लेके रामदेव बाबा के, और ये देखो घोड़ा, बाबा रामदेव के घोड़े लेके जा रहे हैं। यहाँ मेडिकल चेकअप हो रहा है, मसाज कर रहे हैं, पाँव की सेवा कर रहे हैं लोग। चलो भाई पैदल जाने वालों को जय बाबा रामदेव। और ये 9 बजे का सोचा था लेकिन 9:45 बज चुके हैं, और अब अमृतसर एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ने की तैयारी है। ऊपर देखो आप जो रोड जा रहा है वो है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे। 400 meters, turn left onto the ramp to National Highway 754K. सुन लिया? जय माता दी। 400 meters. अब इस रोड पे ना ढाबे मिलेंगे, ना पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, ना वॉशरूम मिलेगा। तो टोल गेट पे वॉशरूम तो मिल जाएगा, लेकिन खाना पीना थोड़ा लेके चलना, अपना पेट्रोल और डीजल का टैंक फुल कर लेना एंट्री करने से पहले ही। और ये एक्सप्रेसवे जामनगर से अमृतसर तक बनने वाला है, वो कि 2025 तक बनने की संभावना है। अगर वो बन चुका होता तो हमें जोधपुर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधा अमृतसर ही गाड़ी लगा देते हमारी। देखो भाई आ गया है टोल गेट भी, फाइनली फाइनली फाइनली। देखो गाइस, रास्ते में तो एक्सप्रेस वे पर कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपना ना थैला भर के नाश्ता लाए, तो यही करेंगे हम अभी। और दुर्वा अभी क्या कर रही है? दुर्वा दिखाओ। कचौड़ी सर क्या खा रहे हो? कचौड़ी। ड्राई फ्रूट कचौरी, अभिजीत जी ड्राई फ्रूट कचौरी। हमारे दूसरे जो कलीग्स है जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो एक्चुअली उधमपुर से ज्वाइन करेंगे, उनसे आपको मिलाएंगे। वो लोग जयपुर से कल निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो रात तक उधमपुर पहुंचेंगे। हमारा एक दिन का स्टे अमृतसर है, हम कल अमृतसर से निकलेंगे, शाम को पहुंचेंगे उधमपुर। सबके लिए होटल बुकिंग करके रखेंगे, देखेंगे अगर वो लोग पहुंच जाएंगे। बाकी कुछ लोगों का कैंसिल हुआ है, उनके लिए बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट सबका इतना ज्यादा था मिलने का, ट्रिप पे जाने का। अब आई डोंट नो किन्हीं का है कैंसिल होने का चांसेस और किन्हीं का कैंसिल हो चुका है, और बाकी का कैंसिल ना होए, बस यही दुआ करेंगे हमारे साथ वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं और मिलवाते हैं आगे आपको कल उनसे भी। तब तक के लिए बने रहिए और एक्सप्रेस वे का मजा लीजिए हमारे। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है 656 किलोमीटर, और समय दिखा रहा है 10 घंटे, और मेरी स्पीड अगर मैं बोलता हूँ तो 11 घंटे भी लग सकते हैं और 12 घंटे, क्योंकि मैं स्पीड कम ही चला रहा हूँ गाड़ी। और बाकी रास्ता आप तो देखो, बठिंडा तक तो ऐसा ही है। चलते हैं सीधा, पहले आएगा बीकानेर संगेरिया, और उसके बाद आएगा अमृतसर। लेकिन ये अमृतसर तक बना नहीं है, तो हम बठिंडा में एग्जिट लेंगे, और कहाँ से एग्जिट लेंगे उसके लिए बने रहिए।
बाकी रोड दे अमृतसर एक्सप्रेस वे का अगर कहीं पैचेस कुछ खराब रहेंगे तो मैं आपको अपडेट दूंगा। जैसे कि मेरी आगे एक तो हमारे कलीग जा हमारे साथ जाने वाले हैं, वो अगले दिन गए हैं, उन्होंने बताया है, तो उस हिसाब से आपको मैं अपडेट कर दूंगा जैसे मुझे अपडेट मिला है। देखते रहिए, अगर आप इस रोड से निकलने वाले हो कुछ समय में तो सारे अपडेट्स देखना मत भूलना, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा, खास करके राजस्थान से अमृतसर के लिए जो जा रहे हैं, आप उसके आगे भी जा रहे हैं। बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स, देखते रहिए इस वीडियो को। देखो बीच बीच में ऐसे रिपेयरिंग वर्क भी चालू है, मेरी तो यही आपको सलाह है कि गाड़ी धीमे चला। देखो है ना, हम भी बाल बाल बच्चे, खट्टा इतना जबरदस्त था, गाड़ी स्पीड ने नहीं थी तो बच गए। और ये देखो बीचों बीच काम चल रहा है, वैसे तो दूर से दिख जाएगा, फिर भी स्पीड में रहेंगे या नाइट में अगर ड्राइव कर रहे हो तो खास ख्याल रखिएगा। सो गाइस, अभी आगे एक बटरफ्लाई हमारी कार में चिपक गई है, फंस गई है, कैमरा होल्डर में उसको निकाल लेता, बेचारी फंस गई है। घायल हो गए फिर भी उड़ गए। बीच में कुछ कुछ पैचिस में आपको खराब रोड मिलेंगे, तो स्पीड गाड़ी की इतनी लिमिटेड रखना कि आप गाड़ी कंट्रोल कर पाओ, और कितना भी स्पीड में मत चलाना। वैसे यहाँ पे 120 की स्पीड है स्पीड लिमिट, और ये देखो इस तरह से कुछ कुछ जगह पे ऐसे पैचिस मिलेंगे काफी सारे, खास करके जहाँ पे एंट्री और एग्जिट है वहां पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ, आराम से चलाओ और नॉन स्टॉप पहुंच जाओ आपकी डेस्टिनेशन में। और एंट्री और एग्जिट की बात करें तो बीच बीच में बीकानेर, हनुमानगढ़ और काफी सारे कस्बे आते हैं जहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट ले पाओगे, और वहीं पे अगर वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी चाहिए तो आप वहां पे टोल से एग्जिट मत करना, वहीं से रिटर्न लेके रिवर्स लेके अपना काम निपटा के वहीं से अपना रोड कंटिन्यू कर लेना। हमें तो वैसे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी एक भी स्टॉप लेने की, देखते हैं कहाँ स्टॉप लेते हैं और आपको भी बताएंगे। अगर स्टॉप लेते हैं और कुछ आगे की अपडेट देने लायक होगी तो देते रहेंगे आपको सारी अपडेट्स। गड़ी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 303 किलोमीटर, फिर सगरिया 327 किलोमीटर, तब तक तो ये एक्सप्रेस वे है ही कन्फर्म है, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक है और आपको भी बताते हैं, अपडेट देते हैं कहाँ तक एक्सप्रेस वे हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी नाश्ता पानी हो गया है, अब सब आराम करेंगे और मैं नॉन स्टॉप गाड़ी चलाऊंगा। अब एक्सप्रेस वे से नीचे उतर के हम लोग वॉशरूम पेट्रोल पंप दिखा, तो सोचा अब लगे हाथ चाहिए आते हैं, तो यहाँ पे पंप पे हमने वॉशरूम यूज़ किया और ये अभी काम चल रहा है यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए, और होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह बनने का अभी बना नहीं है, रेडी नहीं है, आई होप 2025 तक बन जाएगा। अभी यही रोड से वापस फिर एंटर हो जाएंगे बिना टोल दिए अपने वापस एक्सप्रेस वे पे। तो चलो ये आता है भटिंडा, यहाँ से दिखा रहा है 272 किलोमीटर, और सगरिया दिखा रहा है 205 किलोमीटर। ये याद रखिएगा अगर आपको भी फ्रेशन अप होना है तो भटिंडा 272 किलोमीटर पे ये वॉशरूम के लिए एग्जिट है। देखो अभी बजे है 1:17 यानी कि 1:30 बजने को आए हैं और वापस भूख लगी है, यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो वापस से हमारा पोटला हमने खोल लिया है नाश्ता का। दुर्वा मैडम आगे आ चुके हैं, उनको गर्मी लग रही थी पीछे तो मामा को भेज दिया गर्मी खाने। लाओ लाओ, थैंक यू। क्या ड्रॉ कर रही हो? ये क्या? कौन कौन बनाया है? तनिष्का उसानी। अच्छा, दुर्गा उसकी फ्रेंड को मिस कर रही है?
इस तरह से अचानक से काफी बड़े बड़े पैचिस में काम चल रहा है, तो उसमें बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं जिसके लिए आपको अचानक से ब्रेक मारनी पड़ सकती है। तो गाड़ी को धीमे चलाना ही बेहतर है इस रोड पे। और यहाँ से हमें एग्जिट के लिए बताया गया, क्योंकि आगे का पैच का वर्क कुछ ज्यादा चल रहा होगा, तो हमें टोल बुक से एग्जिट लेना पड़ा और उसके बाद वापस से इसी मतलब चौराहे से घूम के वापस आगे के टोल बुक से एंट्री दिला दी है। तो हमने एग्जिट नहीं किया है अभी तक एक्सप्रेस वे, हम आगे के इसी चौराहे पे नेक्स्ट घूम के टोल बुक से वापस एंट्री करने वाले हैं इसी एक्सप्रेस वे पे। तो अभी भी ये एक्सप्रेस वे जारी रहता है हमारा। परेशान करके रखा है पूरे रास्ते में, तो ये जो हमारा टेबल है उसके साथ इसको भी बांध दिया है ताकि परेशान नहीं करे, पनिशमेंट भी लिए इसको। खोला नहीं, खोलना है ऐसे ही बैठना है तुझे। अच्छा खाओगे मैं कैसे पर? खाना तो तू खा लिया, अभी सो जा ऐसे ही। देखो एक्सप्रेस वे पे रास्ता तो नहीं है लेकिन कूद के आना पड़ता है। चाय पानी के लिए रुकना है तो ऐसे छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है। और खाना पीना है लेकिन अपने को तो अभी मन नहीं है, बाकी चाय बन रही है। अभी जितने मिल्क के पैकेट दिखाए थे हमें ग्रुप में व्हाट्सएप में, तो हमें चाय पीने की तलब लग गई तो रुक ही गए। और ट्रक वाले भी रुकते हैं यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए, तो चलिए चाय पीते हैं। यहाँ पे एक पैच ऐसा आया कि यहाँ से हमें रॉन्ग वे में घुसना पड़ा और सारी गाड़ियां रॉन्ग वे में जा ही रही थी, शायद काम चल रहा था यहाँ पे और हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है इसके पीछे पीछे, फिर मैंने भी रॉन्ग में डाली थी। तो देखना अगर रॉन्ग में जा रहे हो तो संभाल के जाना, रॉन्ग साइड कार चलाना वैसे तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन अभी ये पूरा रोड बना नहीं है, काफी जगह पे काम चल रहा है तो उन्होंने अलाउ किया है, तो लॉन्ग साइड में आए हैं। अब देखते हैं कितना लंबा है, किलोमीटर मैंने नोट किया है कितने किलोमीटर तक हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं आपको बताता। करीबन 4 किलोमीटर चलने के बाद हम फिर डाइवर्ट होके अपने अपनी साइड आ गए, तो बस कुछ 4 किलोमीटर का अंतर था जो हमने रॉन्ग साइड में तय किया। देखो हमारी तरफ भी रॉन्ग साइड से सब लोग आ रहे हैं और रोड की कंडीशन बहुत खराब है और कुछ लोग वहां रॉन्ग साइड जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रॉन्ग साइड आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रिस्की है भैया एक्सप्रेस वे कुछ कुछ पैचिस पे संभाल के चलाना। ये मत समझना कि ये रनवे बन गया है, यहाँ पे प्लेन उड़ा रहे हैं हम लोग। देखो काफी सारे ट्रक्स भी आ रहे हैं रॉन्ग साइड से, देखो देखो देखो, बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल। हनुमानगढ़ी क्रॉस किया है और अभी भी वही हाल है रोड का, काफी सारी जगह पे काफी सारे पैचेस खराब है और काम चल रहा है। देख सकते हो आप इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं रोड पे और उसको ठीक किया जा रहा है। अभी भी यहाँ से पटिंडा करीबन 80 किलोमीटर है, अभी भी 1 घंटा एक्सप्रेस वे से निकलते निकलते हमें शाम के 6 बज जाएंगे और अमृतसर का टारगेट हमारा था, लेकिन अभी इस रोड की कंडीशन की वजह से हम अमृतसर हो सकता है रात को 9 या 10 बजे तक पहुंचे। होटल हमने रिजर्वेशन करवा के रखा है, वो कुछ टेंशन है नहीं, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी कोई जल्दी तो है नहीं, आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला के पहुंच जाएंगे और आपको रास्ते में अपडेट देते जाएंगे।
40-50 किलोमीटर दूर भटिंडा है यहाँ से, और एग्जिट ले लिया है क्योंकि आगे रोड क्लोजर है। तो अभी हम नेशनल हाईवे 54 पे डाइवर्ट हो चुके हैं यहाँ से भटिंडा की ओर। तो बस यहीं तक था एक्सप्रेसवे, जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। आप लोग आओगे तब तक शायद आगे तक भी बन गया होगा, लेकिन आज की डेट में सितंबर नेशनल हाईवे 54 देन स्लाइट लेफ्ट ऑन नेशनल हाईवे 54 आज की डेट में सितंबर मंथ में ये हाईवे यहीं तक है। भटिंडा से पहले एक्सप्रेसवे से मुड़ने के बाद जो हमने मोड़ लिया, उसके बाद थोड़ा कंजेस्टेड एरिया आएगा खेतों के बीच से। है वैसे अच्छा रोड लेकिन ट्रैफिक बहुत है। लेकिन जब तक भटिंडा क्रॉस करते, भटिंडा बाईपास आता, तब तक ये जो नज़ारे थे दोनों तरफ, हरियाली भरे खेत, हरे हरे और अच्छी नई फसल जो लहरा रही थी, मतलब देखने में ही बहुत मजा आ रहा था। देखो अभी हमें जाना था भटिंडा बाईपास रोड पे, और 1 किलोमीटर बचाने के चक्कर में गूगल ने हमें कौन सी गली में घुसा दिया। अब यहाँ से हम बाहर निकलते भटिंडा बाईपास से निकल के भटिंडा अमृतसर मेन हाईवे पे निकल ले। मेन हाईवे आती है आपको पता था, और इस शॉर्टकट से हम निकल रहे हैं मेन रोड पे वापस बाईपास पे, भटिंडा बाईपास। हमें सिटी में जाने की जरूरत नहीं है ट्रैफिक में, भटिंडा को हमने बाईपास कर दिया इस रोड से गूगल की ओर से। नेशनल हाईवे 7 for 5 किलोमीटर्स। अभी नेशनल हाईवे 54 पे हम मुड़ गए हैं। तो अब यहाँ लगता है कि कुछ ट्रैफिक वाला रोड लगता है। नेशनल हाईवे 54 for 71 किलोमीटर्स। 71 किलोमीटर तक तो कोई मोड़ नहीं है 54 नेशनल हाईवे पे, और ये भटिंडा के बाहर बाहर वाले हिस्से हैं लगता है, क्योंकि सिटी का ट्रैफिक ही लग रहा है। बाईपास से आए लेकिन अभी भी सिटी का पार्ट थोड़ा बहुत आ रहा है बीच बीच। अभी अमृतसर को 2 घंटे की देर है, बजे हैं 8, और बीच में अच्छी खासी KFC, बर्गर किंग सारी फ्रेंचाइजीज है यहाँ पे, कुछ खा लेते हैं क्योंकि होटल पहुँचेंगे तब तक होटल का रेस्टोरेंट बंद हो चुका होगा। तो चलो कुछ खाते पीते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर निकलते हैं अमृतसर की ओर। ये देखो ये लड़की की बर्गर किंग बन गई, लड़की बर्गर क्वीन बन गई। चलो ये हमने कुछ छोटा मोटा पेट पूजा करने के लिए, दुर्वा के लिए खाने के लिए मंगवा लिया है। अब दुर्वा सो जाएगी थोड़ी देर, तब तक अमृतसर आ जाएगा। फाइनली रात को 11 बजे रात को हम पहुंच गए अमृतसर, और ये आ गया अमृतसर का मोस्ट पॉपुलर वेलकम गेट, स्वर्ण मंदिर के जैसा ही, बिल्कुल हूबहू गोल्डन टेंपल के जैसे ही बनाया हुआ है। पाजी रिक्की नहीं खुलेगी, तो 25 सब्सक्राइब करो। हमारी जर्नी अमृतसर में आके आज की खत्म होती है। तो आज की ये जर्नी करीबन 700 किलोमीटर की यहीं अमृतसर में आके समाप्त होती है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो होटल चेक इन, रूम टूर और कल का अमृतसर का ब्लॉग देखना मत भूलना। बाकी के सारे ब्लॉग्स जरूर देखना, और अब तक ये ब्लॉग देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय। थक चुके हैं सब, बाय, रेस्ट करेंगे, बाय। और आज की हमारी जर्नी रही 695 किलोमीटर्स, और टोटल हमने घर से निकले तब से 1490, करीबन 1500 किलोमीटर की जर्नी कर ली है।